यश का होगा मेकओवर, रॉकी भाई का हुआ मेकओवर, प्रशांत लाएंगे बड़े बदलाव। जब भी हम किसी एक कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें उस कहानी को इतना दिलचस्प बनाए रखना है कि उसको फैंस एक बार फिर से देखने के लिए थिएटर तक आए। किसी एक कहानी की शुरुआत करना तो काफी आसान है, लेकिन अगर हमें किसी फिल्म का सीक्वल या तीसरा पार्ट बनाना है तो फैंस को फिल्म में बांधे रखने के लिए हमें देने पड़ते हैं काफी ट्विस्ट और टर्न्स और फुल डोज एंटरटेनमेंट का भी। और लगता है कि कुछ ऐसा ही करने वाले हैं प्रशांत नील। जी हाँ, आपको बता दें कि केजे फ्रेंचाइजी के लिए मशहूर प्रशांत ने अपनी पहली दोनों फिल्मों में हमें एक बेहतरीन कहानी के साथ अच्छे डायरेक्शन की बदौलत हमें एक ऐसी फ्रेंचाइजी दी जिसकी दीवानगी देश भर में छा गई। जाहिर सी बात है कि दो फिल्मों के बाद भी फैंस का मन नहीं भरा है और अब वो केजे फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म के आने की यानी कि केजे चैप्टर 3 का कर रहे हैं इंतजार। अब देखने वाली बात यह है कि पहली दो फिल्मों में हमने रॉकी भाई का एक अलग अंदाज देखा। केजीएफ चैप्टर 3 के एंड में रॉकी भाई की मौत को दिखाने के बाद हमें पूरा यकीन है कि केजीएफ चैप्टर 3 के लिए प्रशांत के हैं बहुत बड़े प्लान। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रशांत नील को फैंस को बांधे रखना आता है और वो केजीएफ के मशहूर किरदार रॉकी भाई को देगी एक बेहतरीन मेक ओवर ताकि फैंस का बना रहे इस फिल्म फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट। और जब ये फिल्म आए बड़े पर्दे पर तो ये तोड़ दे सारे रिकॉर्ड। अब देखने वाली बात ये होगी क्या होगा केजीएफ चैप्टर 3 में और क्या ये बदलाव लाएंगे फैंस को इस फ्रेंचाइजी के और भी ज्यादा करीब। क्या फैंस को मिलेगी एक ऐसी फिल्म केजीएफ के तीसरे हिस्से में जो कि होगी अभी तक की फिल्मों से अलग। क्या फैंस को पसंद आएगा रॉकी भाई का मेकओवर? ये सब देखने के लिए हमें करना पड़ेगा केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और आप बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।